हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम गुणनखंड के बारे में बात करने वाले कि दो पदी से हम कैसे करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलते हैं क्लास की ओर। अपने के पास में किसम है, ऐसे अपने के पास में लिखा हुआ 2x+3 को अपने को 3x+2 से गुणा करना है। हम इसको कैसे गुणा करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करना है, इसका जो पहला पद है उसको तो यहाँ लिख लीजिए आप। फिर क्या करेंगे, पीछे वाला जो कोष्टक है उसको आप यहाँ का सेम टू सेम लिख दीजिए। फिर यहाँ पीछे कितने बचे, प्लस के 3 बचे, इस प्लस के 3 को यहाँ ले लेंगे। फिर जो पीछे वाला कोष्टक है उसको भी वापस हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को इस संख्या से गुणा करेंगे। इन जो गणित के अंक है उनको गणित के अंकों से गुणा करेंगे। गणित के अंकों से गुणा करेंगे, गणित के अंकों को गणित के अंकों से गुणा कर 3 को 2 से करेंगे, 3 × 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ 1x है और यहाँ भी 1x है, यानी हम क्या करेंगे, x को x से गुणा करेंगे। तो आपको x को यहाँ लिखना है। अभी कितने बार आया, 1 और 2 बार है, तो उस 2 को आप ऊपर लिख दीजिए, जितनी बार आया उसको आप ऊपर लिखिए। फिर प्लस का निशान यहाँ पे, यहाँ भी प्लस का निशान है, तो प्लस को जब हम प्लस से गुणा करेंगे तो अपन के पास में प्लस हो जाएगा। पहले थोड़ा सिने के बारे में ध्यान रख लेते हैं कि हम जब प्लस के सिने को प्लस के सिने से गुणा करते हैं तो आंसर भी प्लस के अंदर आएगा। फिर प्लस के सिने को हम माइनस से गुणा करते हैं तो आंसर माइनस हो जाएगा। फिर माइनस को यदि हम माइनस के सिने से गुणा करते हैं तो उत्तर प्लस हो जाएगा। और फिर माइनस के चिन्ह को हम प्लस से गुणा करते हैं तो भी उत्तर माइनस हो जाएगा। हमें ये देखना है कि यहाँ दोनों चिन्ह प्लस के या दोनों चिन्ह माइनस के, यानी दोनों चिन्ह जब दो चिन्ह समान होते हैं तो आपका प्लस आएगा। अब आप यहाँ देखिए, एक प्लस और एक माइनस है और यहाँ भी एक माइनस और एक प्लस है, यानी असमान चिन्ह है। और असमान चिन्ह को जब आप गुणा करते हो तो आपका आंसर माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ दोनों समान है तो उत्तर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2 को 2 से कटेंगे, 2 × 2 = 4, पीछे एक्स बचा, इस एक्स को पीछे लिख देंगे। फिर ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 को 3 से करेंगे, 3 × 9, फिर पीछे एक्स बचा, एक्स को हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, प्लस को प्लस से गुणा किया, प्लस हो गया। तो 3 को 2 से करेंगे, 3 × 7। अब क्या होगा, समान पद वो जुड़ जाएंगे, मतलब एक जैसे होने चाहिए। या तो 2 घातांक है तो वो दो घातांक वाले में जुड़ेगी, 1 घातांक है तो 1 घातांक वाले में जुड़ेगी, गणित के गणित वाला में जुड़ेंगे, केवल उसके पीछे उसके साथ में कोई सरासी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 4x है और ये भी 9x, यानी ये पद दोनों समान है, यानी जो इनकी घातांक है वो समान है, तो ये जुड़ जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, आगे वाले पदों सेम टू सेम लिख लें और ये 9x और 4x मिलकर के अपन के पास में 13x हो जाएगा और पीछे बचेगा 6 जो इसका आंसर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे अपने के पास में कोई क्वेश्चन है 3x-1 × 2x+5, इसको हम बढ़ाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले पद को लिखेंगे 3x इंटू, फिर आगे पीछे वाला कोष्ठक को पूरा लिखेंगे 2x-5, फिर यहाँ -1 है तो -1 लिखेंगे इसका दूसरा पद, फिर पीछे वाले कोष्टक को वापस ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, गणित के अंकों को गुणा करेंगे, 3 के 2, 3 को 2 से करें, 3 × 6 हो जाएगा। अब x एक बार और एक बार, यानी 2 बार है, हम ये 2 को इस ऊपर लिख देते हैं, यानी जितनी बार ये काउंट होता है उतनी बार इसकी घातांक हो जाएगी। फिर ये देखो माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है तो यानी से माइनस का हो जाएगा। 5 को 3 से करेंगे, 5 × 3 = 15, x पीछे लगा लेंगे, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 को 1 से करेंगे, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, x पीछे लग जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 5 को 1 से करेंगे, 5 × 1 = 5 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये दोनों राशियां एक जैसी है, मतलब समान पदों के अंदर में ये जुड़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जोड़ने का सिस्टम होता है, यदि दोनों निशान प्लस के अंदर है तो जुड़ेंगे, लेकिन वो प्लस में जुड़ेंगे। लेकिन जब दोनों निशान माइनस के अंदर है जुड़ेंगे, लेकिन किस में जुड़ेंगे, माइनस के, यानी योगफल आएगा वो उसके आगे माइनस का निशान आएगा।
जब ए प्लस और दूसरा माइनस है तो आपको क्या करना है यहां पे, सदैव घटाना है और आंसर में वही चिन्ह लगाना है जो इनमें से बड़ा है। यदि इसमें से बड़ा प्लस का है तो यहाँ प्लस आ जाएगा और इसमें से बड़ा माइनस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पे ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, यानी दोनों चिन्ह एक जैसे है। ये देखिए दोनों एक जैसे हैं, दोनों जब एक जैसे हैं तो जुड़ते हैं, लेकिन जुड़ने पे चिन्ह वही आएगा जो पहले था, यानी प्लस का था तो प्लस में जुड़ेंगे, माइनस का था तो माइनस में जुड़ेंगे। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 6x² को तुम स्वयं टू स्वयं लिख दें, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस में जुड़ेंगे, 15 और 2 हो जाएंगे अपन के पास में 17x और फिर पीछे माइनस के 5 हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे देखिए अपन के पास में ये कोई क्वेश्चन है, जैसे देखिए आपको मैंने लिख लिया 2x + 5 × ये माइनस ले लेते हैं यहाँ पे, माइनस यहाँ ले लिया आपने 4x - 7। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो इसके पहले पद को लिखें 2x, फिर पूरा कोष्टक लिखें 4x - 7, फिर -5, फिर वापस वही कोष्टक जो पहले हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, 2 को 4 से गुणा करें, 4 × 8 x, एक बार दो बार हो गया, 2 को हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, फिर ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को 7 से करेंगे 7 × 14 x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को इससे गुणा करें, तो हम इससे जब गुणा करेंगे 5 को क्या इस माइनस प्लस को करेंगे, माइनस हो जाएगा 520 हो जाएगा और x भी क्या आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 7 को 5 से करेंगे 7 × 35 हो जाएगा। अब 8x² को हम सेम टू सेम लिखेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के अंदर है तो दोनों जुड़ेंगे लेकिन माइनस में जुड़ जाएंगे, माइनस के 34x हो जाएंगे और ये प्लस के 35 पीछे लिखेंगे। इस तरीके से अपने को गुणनफल लेना, यानी सबसे पहले पहला पद लिखना, फिर पूरा कोष्टक लिखेंगे और उसके बाद में हम उसका दूसरा पद लिखेंगे और उसके बाद उसका पूरा कोष्टक लिखेंगे। इस तरीके से हम गुणनफल करेंगे। फिर और देखते हैं, तो अब हमने गुणा करके देखा कि गुणा किस तरीके से होता है, यानी सर्वराशियों का गुणा किस तरीके से होता है। तो हम अभी सर्व समीकरणों का निर्माण करेंगे, वो सर्व समीकरण कैसे बनेगी। पहली सर्व समीकरण है वो अपन के पास में है, ए प्लस बी को जब हम ए प्लस बी से गुणा करते हैं तो आंसर क्या है। देखिए जब हम इसका पहला पद लिखें ए, इसको क्या करते हैं, इस पूरे पद से हम गुणा कर लेते हैं, फिर प्लस का बी है, अब हम क्या करेंगे उसके पीछे वाले कोष्टक से पूरा गुणा करेंगे। जब हम ए को ए से गुणा करेंगे तो अपन के पास में ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए को बी से करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा, फिर b को a से करेंगे तो अपने के पास में ab हो जाएगा, फिर प्लस 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 हो जाएगा, b को b से करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ये भी ab और ये भी ab तो जुड़ जाएंगे, a स्क्वायर प्लस 1 ab और 1 ab 2 ab हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। यानी किसी भी संख्या दोनों राशियां जब एक जैसी है, यानी दोनों समीकरण एक जैसे हैं तो उनका जो गुणा होगा वो हमेशा इस सर्व समीकरण के तहत होगा। अब देखिए दो नंबर सर्व समीकरण, कि जब हम दोनों पद माइनस किए यानी दोनों समान है तो हम कैसे करेंगे, तो हम इसका पहला पद लिखेंगे a, फिर इस पूरे से गुणा करें a माइनस बी, फिर माइनस बी इंटू फिर वापस a माइनस बी। अब इस a को a से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, a को b से करेंगे तो ए बी हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, a को b से करेंगे तो ए बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b को b से करेंगे तो b स्कोर। अब ए स्कोर को सेम टू लिखेंगे, सेम टू सेम लिखें, ये माइनस ए बी और ये भी माइनस ए बी समान लेकिन जुड़ेंगे जुड़ेंगे माइनस में क्योंकि दोनों माइनस है, माइनस एक और माइनस एक माइनस के दो ए बी हो गए वापस, फिर प्लस का बी स्कोर, यानी दो नंबर सर्व समीकरण होगी वो अपनी ये होगी। अब तीन नंबर सर्व समीकरण देखिए कि जब एक बार चिन्ह प्लस का आ जाए और दोबारा माइनस का आ जाए तो हम कैसे करेंगे। इसका पहला पद लिखें प्लस का, फिर प्लस वाले इस पीछे वाले कोष्टक से गुणा करें, फिर माइनस बी पीछे बच गया, इस प्लस पीछे वाले कोष्टक से गुणा कर लेते हैं। ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर, प्लस ए को बी से किया ए बी, फिर माइनस प्लस माइनस, ए को बी से किया ए बी, प्लस बी को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी को बी से करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का चिन्ह है ये माइनस का है, तो जब दो चिन्ह अलग अलग होते हैं और
राशियां एक जैसी होती है तो क्या होता है उसको घटाएंगे, जब एक ईवी में से एक ईवी चला जाएगा पीछे बचेगा जीरो, तो हमें जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं, आगे बचा ए स्क्वायर फिर पीछे बचा बी स्क्वायर, यानी दो संख्या एक जैसी है तो उसका आंसर होगा, यानी एक प्लस के अंदर है दूसरी माइनस के अंदर है तो उसका आंसर होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन नंबर सर्वसम्मिलित है, चार नंबर सर्वसम्मिलित है, यदि कोई संख्या एक्स प्लस ए है और फिर कोई एक्स प्लस बी है, ये सर्वसम्मिलित है, तो हम क्या करेंगे इसके पहले पद को उस पीछे वाले कोष्टक से गुणा कर लें, फिर प्लस ए इसको भी पीछे वाले कोष्टक से गुणा, एक्स को एक्स से करेंगे तो अपने के पास में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को बी से करेंगे तो अपने के पास में बी एक्स हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, ए को एक्स से करेंगे तो ए एक्स हो जाएगा, फिर ए को बी से करेंगे तो अपने के पास में ई हो जाएगा। अब हम क्या करें इसमें दोनों के अंदर देखिए एक्स कॉमन है तो हम एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आपने आप एक्स को कॉमन ले लिया तो पीछे बचा बी, यहाँ एक्स बाहर निकला पीछे बचा ए, और फिर लास्ट में ए बी बचा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस इस ए को पहले ले लेते हैं और बी को बाद में लेते हैं और एक्स को इससे गुणा कर लें और प्लस ए बी इसके पीछे ले लें, ये अपनी एक चार नंबर सर्वसमीकरण। इस तरीके से सर्वसमीकरणों का निर्माण होता है, गुणा करने का सिस्टम वही का वही रहता है, और इससे गुणा करने में क्या होता है थोड़ी आसानी होती है, टाइम थोड़ा कम लगता है, इसलिए सर्वसमीकरणों को अपनाया जाता है। वैसे सप्ती सातवीं और आठवीं नौवीं दसवीं सभी कक्षाओं में ये सर्वसमीकरण काम आती है, और परीक्षा में जब आपको पूछा जाता है कि उपयुक्त तो सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित पदों को गुणा कीजिए, तब हमें इन सर्वसमीकरणों का प्रयोग लेना पड़ता है। जब ये सर्वसमीकरण तभी काम आती है, जब ये पहली सर्वसमीकरण तभी काम आएगी जब यहाँ दिए गए दोनों पद एक जैसे, या फिर आपको ऐसे भी लिखा हुआ दे सकता है कि ए प्लस बी स्क्वायर, ये भी दे दे, यहाँ ऐसे भी दे सकते हैं आपके बाद में ए माइनस बी स्क्वायर, दोनों का एक है, इसका मतलब ये है कि जितनी बार ऊपर लिखा है उतनी बार इसका गुणा करना है, यह होता है। अब आगे वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी बाकी वाली जो सर्वसमीकरण है पांच छह सर्वसमीकरण और बची है उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।